दोस्तों फ्रूट्स यानी कि फल तो हम सब लोग खाते हैं और हम ही जानते हैं कि ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। आपने बहुत सारे फलों के बारे में तो जानते होंगे, लेकिन इसके अलावा भी दुनिया में ऐसे बहुत सारे फल हैं जिसके बारे में आपको शायद पता नहीं होगा। इन सब फ्रूट्स दिखने में जितना अजीब होते हैं, खाने में ही उतना अजीब है। तो आज हम आपको दुनिया की 10 सबसे अद्भुत फलों के बारे में बताएंगे। दोस्तों इससे पहले दुनिया के सबसे महंगे फलों के ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे जाकर जरूर देखना। दोस्तों वीडियो देखने से पहले अगर हमारे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस में लाता रहता हूँ। नंबर 1, अकेबी फ्रूट। शायद आप पहली बार इस फल को देख रहे हैं। बहुत ही अजीब दिखने वाले ये फल इंटरनेट में काफी ज्यादा पॉपुलर है। ये फल ज्यादातर चाइना, जापान और कोरिया में पाए जाते हैं। इसे पहली बार देखने पर लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं और कई लोग तो इसे एक चमत्कारी फल भी मानते हैं। इसके अंदर जेली जैसे चीज मिलते हैं जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। चाइना की फल होने के बावजूद आज ये पूरी दुनिया में बहुत ही पॉपुलर है। इस पेड़ की फूल जब खिलता है तब इनमें से वैनिला जैसे खुशबू निकलते हैं और इसके लगभग सारे हिस्से किसी न किसी काम में आते हैं। इसे नींबू की तरह जूस बना के लोग पीते हैं। इसके अलावा सलाद बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसके बीच वाइन और साबुन फैक्ट्री में बहुत सारे कामों में आते हैं। जापान में इसकी 2 प्रकार की फल पाए जाते हैं। नंबर 2, किवानो मेलन। इसे देखकर आपको किसी दूसरे ग्रहों के फल लग सकते हैं। आप सब लोगों ने तरबूज तो जरूर खाए होंगे, लेकिन कई देशों में किवानो मेलन को तरबूज के रूप से खाए जाते हैं। देखने में फल काफी खूबसूरत होता है। इस फल को साउथ अफ्रीका, कैलिफोर्निया और न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। अफ्रीकन लोग इसे हॉर्न मेलन के नाम से जानते हैं। इसकी स्वाद खीरे की तरह होते हैं और पकने पर नींबू और केले जैसा स्वाद मिलते हैं। अफ्रीकन लोग इसे खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। अफ्रीका की कई जगह पर साल भर पानी नहीं मिलते हैं तो लोग पानी के रूप में इसे खाते हैं। आज इस फल की डिमांड इतना ज्यादा है कि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे कई सारे देशों के लोग इसकी खेती भी करते हैं। इस फल की अंदर के हिस्से ही लोग खाते हैं, लेकिन बाहर के हिस्से में भी विटामिन सी मिलते हैं जो स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। नंबर 3, मैंगोस्टीन फ्रूट। एक बहुत ही रेयर मिलने वाले फल है। इसे ज्यादातर इंडिया, मलेशिया, कंबोडिया और चाइना में मिलते हैं। ये पेड़ को जंगल में ऐसे ही पाए जाते हैं, इसका खेती कोई नहीं करता। ये पेड़ बहुत दिन तक जीते हैं। कई सारे 100 साल पुरानी मैंगोस्टीन पेड़ है जो साल भर 3000 से भी ज्यादा फल देते हैं। ये फल देखने में छोटे साइज की बल की तरह होते हैं। कच्चे होने पर ये फल हरे रंग की होते हैं और पकने पर बैंगनी रंग का हो जाते हैं। इसके अंदर की सफेद जेली जैसे चीज लोग खाते हैं। खाने में ये बहुत ही खट्टा होता है। खाने के अलावा इसे अचार, जैम और जेली बनाने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें काफी ज्यादा मात्रा में विटामिन सी पाए जाते हैं जो हमारे स्किन को मुलायम बनाते हैं। इसे हर दिन खाने से कैंसर होने की संभावना कम हो जाते हैं। नंबर 4, डूरियन फ्रूट। फल जितना भी अजीब हो लेकिन उनमें से खुशबू जरूर निकलते हैं। लेकिन डूरियन एक ऐसा फल है जिनमें से खुशबू नहीं बल्कि बदबू आते हैं और इसे ज्यादा सूंघने से इंसान बेहोश भी हो जाते हैं। इस फल को ज्यादातर इंडोनेशिया में पाए जाते हैं और जैक फ्रूट की तरह दिखते हैं। इसकी चारों ओर कांटे होते हैं। इसकी स्वाद भी काफी अलग होता है, लेकिन इसकी बदबू सिर दुखा देते हैं। इसके एक फल की वजन 3 किलो के आसपास होता है। ये इतना बदबूदार होता है कि मलेशिया और थाईलैंड की कई सारी जगह पर इसे बैन कर दिया गया है, लेकिन फिर भी लोग इसकी गंध सूंघने के लिए इसे खरीदते हैं। इसकी एक फल की कीमत है लगभग $1,000 यानी कि ₹70,000। जिस भी स्टोर पे बेचा जाता है उसे बॉक्स के अंदर सेंड वाले कपड़ों में रखा जाता है। अजीब बदबूदार और इतना ज्यादा कीमत होने के कारण इसे किंग ऑफ द फ्रूट्स भी कहा जाता है। नंबर 5, चेरी मुआ। ये फल काफी हद तक कस्टर्ड एप्पल की तरह दिखते हैं। ये फल ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। दक्षिण अमेरिका की कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू और बोलिविया में ये फल मिलते हैं। पेरू के पुराने इनका ट्राइब के लोगों ने ये फल काफी ज्यादा मात्रा में खाते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट फल है। इसका स्वाद केला, अनानास, पपीता और स्ट्रॉबेरी के मिक्सर जैसा लगते हैं। बहुत ही सॉफ्ट होने के कारण कई लोग इसे आइसक्रीम फ्रूट भी कहते हैं। इसकी फल के अंदर छोटे छोटे काले बीज होते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये इंसान के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। इसमें विटामिन सी और B6 मिलते हैं, लेकिन इसे ज्यादा नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसका बीज बहुत ही जहरीला होता है। नंबर 6,
बिलिम्बी। बिलिम्बी या फिर ट्री सॉरेल स्टार फ्रूट्स की प्रजाति से बिलोंग करते हैं। इसकी त्वचा चमकीले और काफी खट्टे होते हैं। इसे मलेशिया और इंडोनेशिया में ज्यादातर पाए जाते हैं। ये ज्यादातर मेडिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिलीपींस में इसकी पत्तों को खुजली और मांस जैसे कई सारे बीमारी की इलाज के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। साउथ इंडिया के लोग इसे नींबू की तरह खाते भी हैं। ये फल विटामिन सी से भरपूर होते हैं। इसकी इतना डिमांड होने के कारण भारत के केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और गोवा में इसकी खेती किए जाते हैं। नंबर 7, रोमन एस्को। इसे ज्यादातर रोमन कॉलीफ्लावर के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि इसे देखने में फूलगोभी की तरह होते हैं। इसे पहली बार इटली में पाया गया था। ये पूरी तरह हरे रंग की होते हैं और इसकी कलियां बहुत ही सुंदर दिखते हैं। इसे लोग एक सब्जी की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसमें विटामिन सी, विटामिन के, फाइबर और कैरोटीनॉइड होते हैं। लोगों की माने तो ये खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। इसे खाने से ब्रेस्ट कैंसर और कोलोन कैंसर होने की चांस कम हो जाते हैं। दुनिया के कई सारे देशों के साथ साथ भारत में भी इसकी खेती किए जाते हैं। नंबर 8, कोरियन मेलन। कोरिया में पाए जाने वाले तरबूज एक बड़े साइज की पीले अंडे की तरह दिखते हैं और इसके ऊपर सफेद लाइन होते हैं। इसके अंदर की पार्ट और बीज बहुत ही मीठा होता है। पकने पर इसके स्वाद नाशपाती और हनीबू तरबूज की मिक्सर जैसा होता है। इसकी त्वचा दूसरे तरबूज की तरह मोटे नहीं होते हैं। कोरिया में इसे गर्मियों के मौसम में उगाए जाते हैं। इसे ज्यादातर लोग गोल्डन मेलन के नाम से जानते हैं। ये तरबूज पूरी तरह विटामिन ए और विटामिन सी से भरे होते हैं। लोग इसे सलाद या फिर नाश्ते के रूप में दही के साथ खाते हैं। इसके अलावा इसे आइसक्रीम या फिर जैम बनाने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। नंबर 9, फाइसालिस। टमाटर की तरह दिखने वाले ये फल ज्यादातर पेरू में पाए जाते हैं। एक छोटा नारंगी रंग का बेर है जो खट्टा और मीठा होता है। ये फल अमेरिका की मूल निवासी है, लेकिन दक्षिण अमेरिका में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इसे लोग गोल्डन बेरी भी कहते हैं। इसकी पेड़ की ब्रांचेस मखमली होते हैं और पत्ते दिल की आकार की होते हैं। इसकी फल सॉस, पुडिंग और जैम बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये फल पॉलीफेनल और विटामिन सी से भरपूर होते हैं, जिस वजह से इसे कई सारे ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाने में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। नंबर 3, हाला फ्रूट। इस फल को ज्यादातर मलेशिया, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और पैसिफिक आइलैंड में पाए जाते हैं। एक छोटे पेड़ों में उगते हैं जो 4 से 10 फीट के करीब लंबे होते हैं और ये फल अनानास जैसा दिखते हैं। इस फल में कई सारे फैलगन्स या फिर चाबी बने होते हैं। हर फल में लगभग 40 से 80 चाबियां होते हैं। ये फल पीला, नारंगी या फिर लाल रंग की होते हैं। इसे लोग पकाकर या फिर कच्चे भी खा जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इसे बहुत ही महत्वपूर्ण खाना माना जाते हैं। इसमें कई सारे मेडिसिनल तत्व भी होते हैं, जिससे डायरिया और हार्ट पेन जैसे बीमारियां ठीक हो सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, इनका नाम है वियतनाम मिल्क मेलन। इसे देखकर लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। ये फल काफी अनोखे हैं। इसे देखकर आप समझ चुके होंगे कि ये किस तरह दिखते हैं। वैसे तो आप ये सब जो तस्वीर देख रहे हैं, ये सब आर्ट का कमाल है। असल में ये फल ऐसा दिखते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप दुनिया के सबसे महंगे फलों के बारे में जानना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस वीडियो को जाकर जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक जरूर कर देना। और ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, अननोन फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस। गुड बाय।